थाना रसूलपुर क्षेत्र स्थित लक्ष्मी फाउंडेशन में लापरवाही से मरीजों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीती रात एक छात्र की मौत का मामला सामने आया है। उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया 10 वर्षीय छात्र को निमोनिया की शिकायत थी। 21 दिसंबर से भर्ती था, लेकिन अभी तक केवल और केवल चिकित्सक पैसे ऐंठते रहे, उपचार नहीं दिया गया। छात्र की बिगड़ती तबीयत में कोई सुधार न मिलने के कारण भी चिकित्सकों ने मना नहीं किया, रेफर नहीं किया। बीती रात अज्ञात कारणों से छात्र ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। लक्ष्मी फाउंडेशन में इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौन हैं। ऐसी स्थिति में साफ तौर पर माना जाए कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से संचालित किया जा रहा है लक्ष्मी फाउंडेशन। लक्ष्मी फाउंडेशन में भर्ती कराया था, क्या दिक्कत थी इसको? निमोनिया आ गई यार। तो आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ इसके साथ? काम आ रहा हो आपको? क्या यहाँ आए तो क्या मिला? यहाँ आज बॉडी बाहर मिली है, बॉडी बाहर मिली है, अंदर ना मिली। तो क्या मानते हैं आप इसे? क्या मानते हैं कि लापरवाही की वजह से मौत हुई? लापरवाही है जबरदस्ती। क्या नाम है आपका? मेरा मार्गश्री। मार्गश्री जी, बच्चा आपका कौन है? हमारा नाती बड़ा। अच्छा, क्या हुआ था इसे? कौन से हॉस्पिटल भर्ती कराया था? ये लक्ष्मी फाउंडेशन। कब भर्ती कराया था आपने? ये 21 तारीख को। क्या हुआ इसके? इसे निमोनिया। तो आज क्या हुआ? आज थोड़ी थोड़ी सांस सी बढ़ी तो इसको सोने लगा, तो मैंने सोची मैंने कि शायद ऐसा होगा रात में परेशान करे, चूंकि इनने फाइल रख ली, 5,000 रुपए रह गए थे और मैंने जमा कर दिए थे, सो पैसे मैं गए तो फिर मिले नहीं, 7,000 आए तो मैंने जमा कर दिए अभी, और जमा करते आई और क्या कहता है, हम घर से आए तो मेरे नाती ने 2 बजे 2 रोटी खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद।